और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रिएटिविटी विद फ्लक में। तो आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग पहेली, दैट इज जासूसी पहेली। तो चलिए जासूसी पहेली को हम शुरू करते हैं। एक बार टॉम नाम का एक लड़का अपने कुछ दोस्तों को एक पार्टी में इनवाइट करता है। वह अपने तीन दोस्तों को इनवाइट करता है, टीना, रीना और हेलेना। वो सभी मिलके पार्टी करते हैं। फिर अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है। फिर रीना, टीना और हेलेना तीनों का ही आवाज आता है और वे कहते हैं कि टॉम टॉम हम जा रहे हैं, लाइट ऑफ हो चुकी है और डिस्को में हमें बहुत मजा आया, चलो हम कल मिलते हैं। ऐसा कह के तीनों ही वहां से चले जाते हैं। फिर लाइट आती है और ये सुबह की बात है। नेक्स्ट डे जब न्यूज़पेपर वाला दरवाज़ा खटखटाता है और कोई नहीं वापस आता है, तो वह पुलिस को तुरंत फ़ोन करता है। फिर डिटेक्टिव वहां आता है तो देखता है कि उसकी तो डेड बॉडी मिल चुकी थी, यानी कि टॉम मर चुका था। फिर वो सोचता है कि अब क्या करना है, तो वो घर के सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे सीसीटीवी फुटेज और नेबर्स के स्टेटमेंट के द्वारा पता चलता है कि कल रात को तीन दोस्त उसके घर आए थे। वो उन पर शक करता है और उनसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए उन्हें बुलाता है। तो टीना, हेलेना और रीना तीनों ही आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्टिव सैम पूछता है कि उस समय जब वो घर वापस गए तो क्या कर रहे थे। तो इस इन्वेस्टिगेशन में हेलेना कहती है कि मैं वापस गई और बहुत थक गई थी, इसलिए मैं नहा कर और फिर सीधी सो गई थी। और फिर रीना कहती है कि मैं ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, इसलिए जब टॉम ने खाना दिया तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं खुद जाकर अपने घर में मैंने लंच बनाया और खाया। और फिर टीना कहती है कि मैं वहाँ जाके टीवी देख रही थी, क्योंकि लाइट चली गई थी तो मैं थोड़ा बोर भी हो गई थी, इसलिए टीवी देखना सबसे बेस्ट वे होता है एंटरटेन करने का। डिटेक्टिव सैम इन तीनों के स्टेटमेंट्स को ध्यान से सुनता है और फिर समझ जाता है कि असली मर्डरर कौन है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि असली मर्डरर कौन है? इसके लिए आपके पास है 10 seconds। नाउ लेट मी स्टार्ट द काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and it's 10. तो द करेक्ट आंसर विल बी मर्डर और किसी ने नहीं बल्कि रीना ने किया है। यस, रीना ने का अपने स्टेटमेंट में कहा था कि वो जाकर और लंच प्रिपेयर कर रही है, बट हाउ इज इट पॉसिबल, पार्टी रात को हो रही थी तो वो लंच नहीं बल्कि डिनर बना सकती है। हड़बड़ी में वो झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने गलत बोल दिया। और रात को वो इसलिए पार्टी कर रही थी क्योंकि सबसे शुरू में जहाँ की मैंने दिखाया था आपको, डिस्को हो रहा था और उस डिस्को टाइम रात हो रही थी। तो इसी के साथ पुलिस रीना को इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे जेल में डाल देती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई जासूसी पहेली। होप यू हैव आंसर्ड इट एंड एंजॉयड इट। टिल देन बाय बाय।